आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सबसे पहले हमारा जो वर्चुअल वर्क होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा जो वर्चुअल वर्क है वो किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है। सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर वर्चुअल वर्क में कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को, वो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। उनकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। द नेट फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल मस्ट बी ज़ीरो। जो हमारा सिस्टम है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो नेट फोर्स होगा वो होगा ज़ीरो। एफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ़ आई, आई का मतलब है आयत, इट मीन्स कि एक पार्टिकल जिसका नेट फोर्स क्या है? ज़ीरो है। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में चारों ही तरफ से यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। ये क्या कौन सी पोजीशन है? ये एक हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सो इस सिस्टम में हम क्या करेंगे? ऊपर से दाएं बाएं नीचे से फोर्स लगाएंगे। फोर्स तो हम लगाएंगे बट इसमें क्या होगी? मोशन नहीं होगी। मोशन नहीं होगी तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, इसके लेफ़्ट साइड और इसकी राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन लेफ्ट साइड से, 5 न्यूटन राइट साइड से। अगर हम दोनों ही तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो हमारा 5 न्यूटन होगा माइनस बाई 5 न्यूटन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा नेट फोर्स होगा वो होगा ज़ीरो। इट मीन्स कि हमारा जो ये सिस्टम है मोशन नहीं करेगा। सो नेक्स्ट हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ एन अज्यूम्ड इन्फिनिटिजिमल चेंज ऑफ सिस्टम। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा इन्फिनिटिजिमल चेंज है, इन्फिनिटिजिमल क्या है वो क्या है? वो ही हमारी एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हम क्या करते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑफ द सिस्टम कोऑर्डिनेट्स, जो हमारा सिस्टम होता है उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, अकरिंग व्हाइल टाइम इज हेल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एक सिस्टम बना हुआ है इसमें जो हमारे पार्टिकल्स में चेंज आएगा, चेंज तो आएगा बट जो हमारा चेंज आएगा वो बिना टाइम बीते हमारा पार्टिकल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा सिग्मा टी है और इट मींस कि जो हमारा टाइम है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, सो बाद में जो हमारा रियल वर्क होता है, फॉर एग्जांपल हम ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट करते हैं कवर, तो जो हमारा टाइम होता है उस टाइम में हमारे में चेंज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बट जो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमारे पार्टिकल्स मूव तो करते हैं बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो टाइम लगता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस कि टाइम बिना टाइम बीते हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कवर हो जाता है। सो नेक्स्ट हम वर्क डन बाय फोर्स की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा जो वर्क डन होता है किस तरह से होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट मींस कि ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको आगे के डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पोजीशन से यहाँ तक जो मोशन करवाएंगे उस मोशन में क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और जो हमारा यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट पहुँच जाएगा, सो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनी हुई है। एंगल जो है हमारी वो एफ और एस के बीच में है, इट मींस कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनी हुई है हमारी एंगल। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क होगा वो वर्क होगा एफ डॉट डेल्टा सिग्मा कॉस थीटा। एंगल जो होगी हमारी वो होगी यहाँ पर हमारी 90 एंगल, जो सो कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो हमारा वर्क बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा सिग्मा
इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 90 के एंगल पर ज़ीरो हो जाएगा। बट हम जो कॉस ज़ीरो लेंगे तो हमारा जो वर्क बनेगा वो बनेगा W इज इक्वल टू एफ डेल्टा सिग्मा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा वर्क डन बाय फोर्स, जो हमने फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट की मोशन करवाई। सेम इसी तरह जो हम वर्क डन बाय फोर्स करते हैं वो क्या था, एक अलग कॉन्सेप्ट था। बट जो हमारा वर्चुअल वर्क है वो क्या है, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। सो इसको हम पढ़ेंगे तो वो होगा, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ फोर्स। जो हमारा सिस्टम है इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है जिसमें नंबर्स ऑफ फोर्स होते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, देन द एक्शन वर्क डन बाय द फोर्सेस फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जो हमें एक्शन वर्क, एक्चुअल जो वर्क मिलता है, वर्क डन बाय फोर्सेस, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्चुअल वर्क होगा वो होगा ज़ीरो। तो हमने वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल वर्क एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। वर्चुअल वर्क क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस को डिफाइन करें। सो इन दीज केसेस, इन केसेस में द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अंडर द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट और सम अप्लाइड फोर्स। हमारे पास इस वर्चुअल वर्क में टू टाइप के फोर्स हैं, एक जो होता है वो है कंस्ट्रेंट फोर्स और दूसरा है अप्लाइड फोर्सेस। टेक द केस ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। यहाँ पर हम एक केस लेंगे जहाँ पर हमारी बॉडी जो है एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर है, विच एक्ट्स इन सच अ वे दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी बॉडी होगी हॉरिजेंटल सरफेस पर वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में पोजिशन में, पोजिशन में क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगी। यहाँ पर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे बट वो रेस्ट में होगी, इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करे। सो नेक्स्ट है, बट फॉर विच डिटेल्ड स्ट्रक्चर, इसको और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए ऑफ फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट में भी अननोन। हमारे पास टू टाइप के फोर्सेस हैं, एक अप्लाइड फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट फोर्स है मे बी वो क्या है, अननोन है। While the force of gravity may be called the applied force, जो force of gravity होता है object को नीचे की तरफ surface पर टिके रहने में जो हमारी gravity की force मदद करती है वो क्या है, हमारी applied force है। The force of constraint are unknown, हमारी जो constraint force है वो क्या है, unknown है। But the sum of all these forces on the body, जो sum of force है, टोटल जो फोर्स है, नेट फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी पर, दैट इज एफ आई इज ज़ीरो, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। एफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि जो हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं या आइस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। सो नेक्स्ट है, एफ आई सिग्मा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, हमारे वर्क डन का फार्मूला है। जो हमारा वर्क डन होता है रियल वर्क में, हमारा जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास रियल वर्क तो नहीं है बट हमारे पास क्या है, वर्चुअल वर्क है, जो क्या होता है, इमेजनरी होता है, बट एक्चुअल में वो वर्क नहीं होता। सो यहाँ पर हमारे पास एफ आई फोर्स जो है हमारा, और सिग्मा आर आई, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, वो क्या है, हमारे ज़ीरो है, विच इज़ रिफर्ड एज वर्चुअल वर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क बोलते हैं ऑफ द सोर्स का। एफ आई दैट इज, जो हमारा एफ आई है वो क्या है, एफ आई द एफ आई इंटू सिग्मा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, हमारा वर्क डन है, जो ज़ीरो के बराबर होगा। इट मीन्स कि सिग्मा W इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारा जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। फॉर अ पार्टिकल्स, आइथ पार्टिकल,
हमारे पास एक पार्टिकल जो होता है वो होता है आयत। जो एक पार्टिकल पर हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सम ऑफ दीज, हेंस द सम ऑफ दीज वैनिशिंग प्रोडक्ट्स ओवरऑल पार्टिकल इज जीरो। वैनिशिंग प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, उनमें भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो हमने एक पार्टिकल के हिसाब से वर्क डन को कंसीडर कर लिया। अब हम ऑल पार्टिकल्स फॉर अ सिस्टम, इट मीन्स कि कंप्लीट सिस्टम के बारे में हमारा जो वर्क डन होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो वो होगा समेशन आई एफ आई इंटू सिग्मा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल पार्टिकल्स हैं उनका सिस्टम के अंदर जितना वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि हमारा इमेजनरी वर्क होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा मोशन कोई भी नहीं होगा, भले एक पार्टिकल हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, द फोर्स एफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू द अप्लाइड फोर्स एफ आई ए। इट मीन्स कि एफ आई ए जो है हमारा अप्लाइड फोर्सेज है। हमने टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा है वर्चुअल वर्क में, एक क्या था हमारा कॉन्स्टेंट फोर्स, दूसरा है हमारा अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं अप्लाइड फोर्सेस को एंड फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट को, जो हमारा कॉन्स्टेंट फोर्स है एफ आई। यहाँ पर सी भी दें तो सही तरह से हमें समझ में आएगा। सो दैट नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनेगा, एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई सी। इट मीन्स कि हम कॉन्स्टेंट फोर्स और हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उनको ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 3। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हमारी इक्वेशन। सो ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। फॉर एग्जांपल एफ आई का जो यहाँ पर ये वैल्यू है ये पुट करेंगे हम इसकी जगह पर और इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी सम ऑफ nth I is equal to 1 whole bracket f I a plus f I whole bracket into sigma r I is equal to 0। इसको अगर हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इट मीन्स कि जो हमारा फोर्स है वर्चुअल फोर्स, इसको हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिग्मा इज इक्वल टू एफ आई ए इंटू सिग्मा आर आई प्लस एफ आई सी डॉट सिग्मा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है और जो हमारा कॉन्स्टेंट फोर्स है वो क्या होंगे, दोनों ही क्या, ज़ीरो होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बट हम कॉन्स्टेंट फोर्स को वर्चुअल वर्क में यूज़ नहीं करते, और जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसको हम वर्चुअल फोर्स में यूज़ करते हैं, और जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो भी क्या है, ज़ीरो है। सिग्मा समेशन आई एफ आई ए डॉट आर आई सिग्मा आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, हमारी अप्लाइड फोर्स की इक्वेशन है जो हम वर्चुअल वर्क में यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलते हैं। बट इन जनरल अप्लाइड फोर्स एफ आई ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वर्चुअल वर्क में हमारा जो अप्लाइड फोर्स होगा ज़ीरो होगा, बट इन रियल में हमारा वर्क जो है अप्लाइड वर्क वो ज़ीरो नहीं होता। सो हमने यहाँ पर इक्वेशन प्रूव कर ली वर्चुअल वर्क की। सो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैटिक। हम जो वर्चुअल वर्क को पढ़ते हैं वो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। इट मीन्स कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन किस में होती है, रेस्ट में होती है, रेस्ट में होती है,
और हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तभी हम इसको स्टैटिक और स्टैटिक को वर्चुअल वर्क में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, इस वजह से हम इसको वर्चुअल वर्क बोल रहे हैं। बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास मोशन में जो हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन होगी, तो उसको डिफाइन किया था हमने हमारे डी अलम्बर्ट ने, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।